नवल किशोर रोड के सत्या बिजनेस पार्क बिल्डिंग की पहली मंजिल पर सोमवार शाम 6 बजे कंस्ट्रक्शन कंपनी में आग लग गई। लपट और धुएं के बीच बिल्डिंग में 40 से ज्यादा लोग फंस गए। जान बचाने के लिए सीडीओ की तरफ भागे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके चलते कांच को तोड़कर जान जोखिम में डालकर बिल्डिंग के बाहर लगे बोर्ड पर चढ़कर बगल में पहुंचे तो पड़ोसियों ने सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा। इस दौरान 3 लोग बेसुध भी हो गए। दमकल कर्मियों ने सीढ़ी की मदद से नीचे उतारा गया। फिर एक तरफ स्मोक इंस्ट्रक्टर से धुआं निकालते हुए हाइड्रोलिक मशीन समेत 10 गाड़ियों की मदद से 1 घंटे में आग पर काबू पाया। हाँ, यहाँ हजरतगंज में ये बिल्डिंग है जिसमें मुख्य रूप से केनरा बैंक का ऑफिस है और बाकी भी छोटे छोटे अलग अलग फ्लोर्स पे ऑफिस हैं। ये G+2 बिल्डिंग है जिसमें पहले फ्लोर पे किसी कारणवश ये आग लगी है और अभी हमारी जो फायर सेफ्टी की टीम है उसने इस आग पे पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है और रेस्क्यू का काम भी पूरा हो गया है। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था। ये जो आग लगी है इसका कारण अभी जो प्रत्यक्षदर्शियां समझ में आ रहा है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से है। ये फर्स्ट फ्लोर से आग शुरू हुई है और ऊपर तक पहुंची, लेकिन अभी पूरे रूप से इसको कंट्रोल कर लिया गया है। अभी कुछ एक बिल्डिंग के हिस्से अभी धुआं बाकी है। देखिए, यहाँ पर 6:15 बजे सूचना आई थी कि नवल किशोर रोड स्थित कैनरा बैंक में आग लग गई है, जिस पर स्थानीय फायर ब्रिगेड की टीम और थाना हजरतगंज की पुलिस मौके पर पहुंची और जितने व्यक्ति अंदर थे उनको सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। और मौके पर अभी हमारी टीम अंदर पहुंच गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। किस तरीके से आग लगी कुछ अभी कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी की जाएगी। अभी किस कारण से आग लगी इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं, कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं।